was my dad at the age of 61. He has ridden his bike at 15,000 feet here at Kunzumla. So guys, finally हम टारमैक रोड पे आ चुके हैं और इतनी खुशी रोड देख के मुझे आज तक नहीं हुई सीरियसली. गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम गाजा. सो येट अनदर डे एंड टुडे वील बी राइडिंग टू सिसु वाया चंद्रताल लेक. द जर्नी इज गोना बी टफ एंड इट्स गोना बी लॉन्ग, दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द मार्शल. So we are about to start, it's almost 6:30 in the morning and we'll be starting soon. So ride chalu ho chuki hai Sisu ke liye via Chandrataal. So guys, kuch der pehle jo ghat thi wahan pe hamare ek saathi biker ka स्लिप हो गया बाइक ड्यू टू ओवर स्पीडिंग ऑन द टर्न्स. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज कमिंग हियर कि जब इतने डेंजरस से घाट्स होते हैं उसमें टर्न्स होते हैं, माना कि ओवर अच्छे हैं बट थोड़ा आप स्पीड पे लिमिट रखिए, नहीं तो इफ यू वुड हैव फॉलन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड यू वुड हैव फॉलन डाउन. सो बी सेफ एंड राइड सेफली. तो मिट्टी में कभी भी आप फ्रंट ब्रेक मत लगाइए, नहीं तो आपको गाड़ी स्किड होने का चांसेस है. तो इस ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में हमने खाई है मैगी. यहाँ से लोसर है 10 किलोमीटर, जहाँ के बाद में ऑफ रोडिंग चालू होगी. सो रिफ्यूल कर लिया है हमने अपने आप को भी और बाइक को भी. सो निकलते हैं टुवर्ड्स लोसर. लोसर क्रॉस करने के बाद में ये ऑफ रोडिंग पैच जो है वो चालू हुआ है यहाँ पे. और हमें बताया गया कि आई थिंक 90 किलोमीटर्स तक इसी तरह का पैच है. तो आनंद लेते हैं ऑफ रोडिंग का. जितनी भी आपकी ख्वाहिश थी ऑफ रोडिंग की जिंदगी भर की सारी पूरी हो रही है. क्या बात है यार. सो गाइस, दैट ओवर देयर इज कुंजुमला एंड विल बी देयर इन जस्ट फ्यू मिनट्स. दिस पास इज एट एन हाइट ऑफ 15,000 feet. And thanks to all the acclimatization that we had in the past days, that fortunately we feel all right. But यहाँ जाते हुए रुकते नहीं है, तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कुंजुमला का नज़ारा, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और यहाँ से निकलेंगे.
The mountains behind Tekun Zimbla are so amazing. There's snow cap, and I can't tell how it feels riding here and seeing the pass approaching. चुके हैं चंद्रताल, मी एंड माय डैड. हाउ डज इट फील हियर? आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग. क्या बात है. तो दिस वाज माय डैड एट द एज ऑफ 61. ही हैज रिडन हिज बाइक एट 15,000 फीट हियर एट कुन ज़िम्ला. लेट मी शो अराउंड हाउ डज इट फील हियर. अच्छा, हाँ सिक्का होगा ना. तो यहाँ कुन ज़िम्ला पे कुछ सिक्के चिपकाने की प्रथा है. तो बोलते हैं जो जितना सिक्का चिपकाएगा उतना ही उसका धन दौलत बढ़ता है. तो आइए फिर धन दौलत बढ़ाते. Hold it up. Hold it tight. Yeah. My bike is there. Someone go there. Oh, okay, yeah. 3, 2, 1. Yes. Here is okay. Theek hai. Put stand up, put stand. I was parking it here only, yaar. No problem. Somebody hold the bike. Yeah, I'm holding. I'm holding. Yeah, perfect. तो चंद्रताल बेस कैंप में आपका स्वागत है. काफ़ी ऑफ रोडिंग के बाद यहाँ पहुँचे हैं. वाटर ब्लॉगिंग की वो तो आपने देख लिया. उसके बाद एक तो वाटर ब्लॉगिंग और आएगी. तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. चंद्रताल बेस कैंप एंड चंद्रताल थोड़ा यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर है.
चलो ब्रो मिलते हैं। फाइनली हम टारमैक रोड पे आ चुके हैं और इतनी खुशी रोड देख के मुझे आज तक नहीं हुई सीरियसली। जितना भूत था ना ऑफ रोडिंग का सब उतर गया, स्मृति में रह गया वही मैं। मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर नहीं आएगा वो। हाँ अभी पता नहीं अगले कुछ कुछ महीनों तक क्या करना है बाइक का, आई डोंट नो। आई थिंक ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर था रही ऑफ रोडिंग। इट वाज लाइक मतलब रिवर बेसिन था वहां पे जो नदी के पत्थर होते हैं ना वही थे बस। अपन ऑफ रोडिंग ही चलते। बट टुडे वॉज द डेडलीस्ट वन। मतलब नदियां बह रही थी रोड से एंड वी हैड मतलब नो क्लू कैसे करना है क्या करना है। दिखा दो हम कैसे शूट कर रहे हैं फ्लैश। थोड़े जुगाड़ करने पड़ते हैं, किनारे खड़े थोड़े जुगाड़ करने पड़ते हैं। क्या अंधेरा हो चुका है। नाम क्या है? कुछ कोक्सर। तो हम कोक्सर में है अभी एंड कोक्सर से 5 किलोमीटर पहले से टारमैक रोड चालू हुआ था एंड बहुत खुशी हुई थी वो रोड देख के। सो बेसिकली इफ यू आर कमिंग टू स्पीति वैली, काजा से मनाली का जो रूट है Be prepared, there is no road on it. Network जिगर है तो आइए वरना मत आइए। हमें पता होता तो नहीं आते। थोड़ा क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसा हो गया है ना। तो चलिए फिर हम तो मनाली जाएंगे, कुछ लोग सिसु जाएंगे कैंपिंग के लिए। वी डोंट सी अ पॉइंट तो विल बी गोइंग टू मनाली एंड टुमारो विल बी हेडिंग टू चंडीगढ़। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ राइडिंग इन द स्पीति वैली एंड मिक्स्ड फीलिंग्स है। खुशी भी है, एकम्प्लिशमेंट की वो भी है इमोशन, बट थोड़ा वो भी है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आज का राइड हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एंटरिंग द अटल टनल। जब से बनी है क्रेज तो बड़ा था कि यहाँ पे एक बार आते हैं एंड आज आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लो यार बढ़िया, आपकी बहुत इच्छा थी ना इसमें। अखबार में आया तो तब से ही कह रहे थे आप। नूरे खुदा मुझको बता। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मनाली के पास में एक जगह है बुरवा करके, तो वहाँ का स्टे लिया है हमने एंड बहुत ही एडवेंचरस राइड थी, आपने देखा ही होगा। तो आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। खाना ऑर्डर किया है, खाना आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु वॉन्ट टू सी स्पीति वैली एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल, एटलीस्ट दिस वीडियो इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले बार। कल हम चलेंगे मनाली से चंडीगढ़ एंड देन चंडीगढ़ से आई विल बी हेडिंग टू मुंबई एंड डैड विल बी गोइंग टू कोटा। सो टिल देन keep dreaming, keep working hard. This is Shantanu Chauhan signing off. Bye-bye.